जबलपुर में करीब एक पखवाड़े से ऑक्सीजन की किल्लत से शहर में हाहाकार मचा हुआ है। इसकी कमी के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। मानवता पर आए संकट को देखते हुए राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने जबलपुर में 2 ऑक्सीजन टैंकर दिए हैं। 34 टन क्षमता वाले दोनों टैंकर में से एक मेडिकल कॉलेज और एक आर्मी हॉस्पिटल को सौंपा जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री विधायक करण भानोट ने राउरकेला पहुंचकर इन टैंकरों को रिसीव किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब यहां मरीजों को काफ़ी फायदा होगा। आप सबको पता है कि वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में स्थितियां बहुत ख़राब है, पर हमारी संस्कार दानी जबलपुर को पता नहीं किसकी नज़र लगी है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। लोग परेशान हैं, जाने जा रही हैं, इलाज की सुविधा लोगों को पूरी बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही। ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई जो नहीं होना चाहिए थे। अगर उनको 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 1 दिन का ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता तो फिर वो दवाई उनके ऊपर काम करती और वो आज हमारे बीच में जीवित रहते हैं और आगे से मौतें ना हो। इसको लेकर हम लोगों ने सोचा क्या किया जा सकता है। धन्यवाद, क्या कर्तव्य भी बनता है हम सबका। मैंने कल हमारे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी को फ़ोन लगाया, दोपहर में 12 बजे मेरी बात उनसे हुई। उसके बाद लगातार उनने प्रयास किया, उन्हें राहुल गांधी जी से भी बात की। उसके बाद ये रास्ता खोजा गया कि हम लोगों ने मानी तनखा जी ने पूर्व कांग्रेस सांसद और भारत के मशहूर उद्योगपति भी हैं नवीन जिंदल जी, उनसे बात की। तो उनके जो व्यावसायिक उपयोग के लिए राउरकेला से लिक्विड ऑक्सीजन जा रही थी, उन गाड़ियों को उन्होंने डाइवर्ट किया। तनखा जी और के माध्यम से हमने उनसे कहा कि जो खर्चा लगेगा हम देंगे। उनने कहा खर्चे की तो बाद में बात करेंगे, अगर जबलपुर की जनता को ज़रूरत है तो हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं और जो भी होगा वो बाद में तनखा जी से और आपसे बात कर लेंगे। उनको भी बहुत बहुत संस्कारधानी जबलपुर की जनता की तरफ से साधुवाद। राहुल जी को धन्यवाद, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विवेक भाई ने जो जबलपुर के लिए अपना फ़र्ज़ निभाया। आज खुशी हुई इस बात को देखकर कि हाँ, जागरूकता के साथ लोग काम कर रहे हैं। हम इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं पाना चाहते हैं, इसको बिल्कुल राजनीतिक रूप से ना लिया जाए। और हमने जबलपुर के प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को ये अवगत कराया है कि इसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल संकोच नहीं करिए, हमें बताइए। बिना ऑक्सीजन के किसी की मौत नहीं होना चाहिए, कोई पैसा सरकार का नहीं लगेगा। जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हम मैनेज करके लाएंगे और जबलपुर की जनता को तड़पने नहीं दिया जाएगा।